नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से समझना, कल तक हम जो चर्चा कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे समास पे, और समास में अव्यय भाव समास और द्विगु समास पर चर्चा कर चुके थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो कर्मधारय समास की चर्चा करेंगे। तो कर्मधारय समास को बड़े ध्यान से समझना और पूर्ण मनोयोग से समझना, क्या होता है कर्मधारय समास, किसे कहते हैं कर्मधारय समास, ध्यान देना और ध्यान से समझना। देखिए, कर्मधारय जो समास होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी समास होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, सभी चर्चा आज हम यहां करेंगे। कर्मधारय समास, तो देखिए कर्मधारय समास की विशेषता क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है, सभी का स्वागत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। देखिए, कर्मधारय समास की सबसे पहली विशेषता, तो हमें पता होना चाहिए इसका कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। अब कर्मधारय समास की जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, हर बात आपको बड़े ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझनी है। तो देखिए, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य अर्थात उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध होता है। तो इसमें किसका बोध होता है, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध होता है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे, विशेषण अथवा उपमान क्या होता है, विशेषण अथवा उपमेय क्या होता है, ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। तो इसको अच्छे से समझना, ध्यान देना। तो विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय के अर्थ का बोध होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषण अथवा उपमान की। विशेषण अथवा उपमान क्या होता है, विशेषण अथवा उपमान क्या होता है, किसे कहते हैं विशेषण अथवा उपमान, बड़े ध्यान से समझना और पूर्ण ध्यान देना, ठीक है ना, समझिए यहां पर। तो देखिए, विशेषण अथवा उपमान क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से समझना है। तो यहां देखिए, विशेषण अथवा उपमान, तो विशेषण अथवा उपमान क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो जिसके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जाए, विशेषता बताई जाए, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण को ही क्या कहा जाता है, विशेषण को ही उपमान कहा जाता है। तो विशेषण को ही उपमान भी कहते हैं, विशेषण को ही उपमान भी कहते हैं। अब देखो क्या है इसमें विशेषण, क्या होता है इसमें विशेष, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, महापुरुष महान है जो पुरुष, बिल्कुल विशेषण और विशेष हो गया। हाँ बिल्कुल सर जी, एक दिन में एक समास पढ़ाएंगे क्या, थोड़ा तेज पढ़ाइए,
लव निषाद जी, जल्दबाजी किस चीज की है? ध्यान से समझो, पूर्ण मनोयोग से समझो। सर उपमान क्या है? उपमान जिसको मान लेते हैं, उपमेय जो उपस्थित होता है। बिल्कुल पूरी बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान देना। यहां पर उपमान कोई विशेषण कहते हैं। उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, ये सारी बातें यहां पर हम करेंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ठीक है ना? हाँ, अब देखो विशेषण को ही उपमान भी कहते हैं। अब कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे नील गगन, मैंने एक शब्द लिखा नील गगन। अब देखो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है, जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण है। अब इस गगन की विशेषता क्या बताई जा रही है? नील। अब ये नील क्या होगा? विशेषण होगा। नील क्या होगा? विशेषण होगा, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो बताई जाए तो गगन की क्या विशेषता बताई जा रही है? नील। इसलिए नील क्या है? विशेषण है। गगन क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना? विशेष ध्यान रखना इसमें। हाँ बिल्कुल, आगे समझिए। मैंने यहां लिखा, ध्यान देना इसमें, मैंने यहां पर लिखा हरी मिर्च। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? मिर्च की बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? हरी। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए और जो बताई जाए, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? मिर्च की। क्या बताई जा रही है? हरी। अब ये हरी क्या होगा? यहां विशेषण होगा। हरी क्या होगा? विशेषण होगा। और मिर्च क्या है? यहां विशेष है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है, जो बताई जाए वो विशेषण है। तो मिर्च की विशेषता हरी है, गगन की नील है। अब इस विशेषण को ही क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं, जिसे हम मान लेते हैं। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश बीकानेर, ध्यान दो। हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल शारदा मीणा जी, विशेषण और उपमान एक जैसे नहीं होते, विशेषण और उपमान एक ही होते हैं, एक जैसे नहीं एक ही होते हैं, इसका भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हरा धनिया इसी में आएगा, बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे विशेष्य की। विशेषण के बाद में बात किसकी करेंगे? विशेष्य की। अब विशेष्य क्या होता है? जो उपस्थित होता है, जो उपस्थित होता है वो विशेष्य, जिसे मान लेते हैं वो विशेषण है। अब विशेष्य को ही उपमेय भी कहते हैं। इस विशेष्य को ही क्या कहते हैं? उपमेय भी कहते हैं। विशेष्य क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। तो इसमें समझिए, विशेष्य उपमेय क्या है? किसी या विशेषण अथवा उपमान के द्वारा, विशेषण अथवा उपमान के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण उपमान के द्वारा किसकी? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है या विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण अथवा उपमान के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य अथवा उपमान कहते हैं। तो विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को ही उपमेय भी कहते हैं। विशेष्य को ही उपमेय भी कहते हैं। तो जिसे मान लेते हैं उपमान है, और जो उपस्थित होता है वो उपमेय होता है। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझना। हाँ बिल्कुल, देखिए जय श्री कृष्णा, ध्यान दीजिए। अब मैंने यहां पर लिखा जैसे, जैसे काली गाय, मैंने लिखा काली गाय। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की। क्या बताई जा रही है? काली। तो काली तो यहां क्या होगा? विशेषण।
जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है और जो बताई जाए वो विशेषण है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की। क्या बताई जा रही है? काली। तो काली विशेषण हो गया और गाय विशेष हो गई, क्योंकि जो उपस्थित होता है वो विशेष है, जिसे मान लेते हैं वो उपमान होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, अच्छे से समझिए। तो ये बात समझ में आया, काली गाय। और देखो, ईमानदार आदमी। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? आदमी की। क्या बताई जा रही है? ईमानदार। तो ईमानदार क्या है? यहां विशेषण है। ईमानदार क्या होगा? विशेषण। आदमी क्या है? विशेष। अब उसको मान लिया है इसलिए विशेषण है। विशेषण को उपमान कहते हैं। बिल्कुल, मृग नैनी भी इसी में आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना। मृग नैनी, मृग के नैनों के समान, नैनों वाली मृग नैनी होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सर, उपमान का विशेष क्या होगा? तो उपमान का विशेष काली गाय, उपमान में काली है, इसका विशेष गाय है। ईमानदार का विशेष आदमी है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, विषय ध्यान रखना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। देखिए, तो ये बात आपको समझ आ गई। अभी हमने सिर्फ क्या बात करी है? तुषार धवल भी बात करेंगे प्रियंका जी। तुषार धवल बिल्कुल इसी में आएगा, जब पूछ लिया तो मैं बता भी देता हूं आपको, तुषार धवल। अब देखो, तुषार किसको कहते हैं? कहते नहीं कौन से तुझ पर तुषार पड़ गए, बर्फ। तुषार किसको? बर्फ पर। बिल्कुल, सफेद भैंस भी होती है, भूरी भैंस कहते हैं जिसको। हाँ बिल्कुल, ध्यान देना और ध्यान से समझना। देखिए, तुषार धवल। अब यहां पर धवल है सफेद और तुषार है विशेष, उपस्थित है मान लिया है। अब यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? बर्फ की। क्या बताई जा रही है? सफेद। ये उल्टा कर दिया, विशेषण बाद में और विशेष पहले दे दिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। यहां पर ये तो क्या हो गया? विशेष, बर्फ है। और ये क्या हो गया? विशेषण। तो सफेद है जो बर्फ। अब यहां समझना ध्यान से, सफेद है जो बर्फ। बर्फ की क्या बताई? विशेषता। क्या विशेषता बताई? सफेद। इसलिए यहां पर ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है, तुषार धवल। तो सफेद है जो बर्फ। बर्फ की क्या बता दी? विशेषता। क्या? सफेद है जो बर्फ। तो बर्फ विशेष है और सफेद उसकी क्या है? विशेषता है। यहां भी ऐसा है तो ध्यान रखना, वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होना चाहिए। पढ़ो, पूरे मनोयोग से पढ़ो, ठीक है ना। मित यादव जी स्वागत है, ध्यान रखना। ये सिंचन जी क्या कह रहे हैं? चप्पल क्या करोगे? चप्पल चाहिए क्या आपको? खो गई क्या तुम्हारी चप्पल? अरे ये सिंचन का देखो क्या है, टेक्निकल टीम इनको पूछो, कोई समस्या है क्या इनको? ज्यादा समस्या है तो इनसे पता करो। तो सार धवल, सफेद है जो बर्फ। बर्फ की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? सफेद, ठीक है ना। तो बर्फ सफेद, तो विशेषण और विशेष हुआ नहीं हुआ? जहां भी विशेषण और विशेष का बोध हो वहां कौन सा होता है? विशेष ध्यान रखना, अच्छे से समझना। बिल्कुल संधि का होमवर्क शुरू होगा, बिल्कुल होगा। संधि के प्रश्न भी महत्वपूर्ण लेके आऊंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना, संधि के खूब सारे प्रश्न करेंगे। अब देखो आगे, यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा तो यहां पर ये तो समझ आ गया होगा। अब मैं और भी खूब सारे उदाहरण लिख रहा हूं, बिल्कुल ये कहम जी हंसेंगे, खूब हंसेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भी और हंसेंगे भी। हां बिल्कुल, आगे ध्यान दीजिए। अब मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा चंद्रमुखी, बहुत अच्छे से समझना, ध्यान देना, क्योंकि ये चीज रटने की नहीं समझने की होती है, चंद्रमुखी। अब यहां उपस्थित कौन है? यहां पर उपस्थित कौन है? विशेष ध्यान रखना, कोई बात नहीं, असामाजिक तत्व एक दो आ जाते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया गया। आप पूरा ध्यान
पढ़ने पे दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल छोड़ो, कोई बात नहीं, गया उसके पर ध्यान ना देके आप पूरा ध्यान यहां पढ़ने पे दीजिए, ठीक है ना। देखिए अब देखो यहां चंद्रमुखी, अब यहां उपस्थित चंद्रमा है या मुख है, उपस्थित क्या है, मुख है, उसे मान क्या लिया, चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान सुंदर मुख, तो यहां विशेषण क्या है, ध्यान देना। देखिए विशेषण क्या है, चंद्र है, और विशेष्य क्या है, मुख है। अब इसमें देखो ध्यान से समझना, ध्यान देना, उपस्थित चंद्रमा है या मुख है, उपस्थित मुख है, उसको मान क्या लिया, चंद्रमा मान लिया, जिसे मान लेते वो उपमान होता है, उपमान कोई विशेषण कहते, जो उपस्थित होता है वो उपमेय होता है, उपमेय कोई विशेष्य कहते हैं, तो उपमेय मुख है और उपस्थित क्या है, मुख, इसलिए विशेष, मान क्या लिया, चंद्रमा, ये विशेषण हो गया। ये भी आपको विषय ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है, विषय ध्यान रखना, अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो चंद्रमुखी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, ठीक है ना। देखो चंद्रमुखी का क्या कहेंगे, लिखेंगे चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली कौन है, चंद्रमुखी है। तो विशेषण और विशेष हुआ नहीं हुआ, जहां भी विशेषण और विशेष का बोध हो वहां कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है, विषय ध्यान रखना, समझ आ गया। अब आगे बात करेंगे, मैंने यहां पर लिखा मृग नैनी, बहुत अच्छे से समझना, ये मृग नैनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो उपस्थित कौन है, नयन है, उसको मान क्या लिया, मृग मान लिया, पुच्छल तारे में भी कर्मधारय है, पूछ है जिस तारे की, तारे की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है वो, पूछ वाला तारा है, तो पूछ वाला तारा है, तो पूछ है जिस तारे की, पुच्छल तारा है, रूढ़ होगा तो बौबरी में चला जाएगा, इस प्रकार से ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, आगे समझिए विषय ध्यान, देखो देखे मृग नैनी, मृग के नैनों के समान, मृग के नैनों के समान नैनों वाली, मृग के नैनों के समान नैनों वाली, हां बिल्कुल बंटी तमर जी, बिल्कुल लेंगे हम, बिल्कुल अंजलि राठौर जी ऐसा ही के लिए है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ बिल्कुल। तो ये बात समझ में आया, मृग के नैनों के समान नैनों वाली। अब यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, नैनों की, क्या बताई जा रही है, मृग के समान, तो जहां पर भी विशेषण और विशेष्य का बोध होगा वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अब आगे समझिए और ध्यान देना, ठीक है ना, अच्छे से समझना। हाँ प्रधानमंत्री, बिल्कुल मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में प्रधान है जो, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, संबंध किससे है उसका, राष्ट्र से है, बिल्कुल। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आगे समझिए, अब इसमें अच्छे से समझिए। देखिए मैं कुछ और उदाहरण लिख रहा हूं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने लिखा महापुरुष, उदाहरण लिखा मैंने महापुरुष, अब पुरुष की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, विशेषता, क्या विशेषता बताई जा रही है, महान, तो महापुरुष महान है जो पुरुष, महापुरुष का क्या होगा, महान है जो पुरुष, तो पुरुष तो क्या है यहां, विशेष है, और महान उसकी क्या है, विशेषता है, तो विशेषण और विशेष्य का बोध हो रहा है नहीं हो रहा, और विशेषण और विशेष्य का बोध होने के कारण कौन सा समास होगा, विशेष ध्यान रखना, इसमें कर्मधारय समास होगा, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। आगे समझ में, हाँ बिल्कुल आगे समझिए, महापुरुष और लिखिए इसमें, जैसे कापुरुष,
मैंने लिख दिया कापुरुष। अब कापुरुष का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कायर है जो पुरुष। कापुरुष का क्या होगा, कायर है जो पुरुष। तो पुरुष क्या है, विशेष है, और कायर क्या है, उसकी विशेषता है। और जहां भी विशेषण और विशेष का बोध हो वहां कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो महापुरुष कापुरुष, और लिखिए इसमें, मैंने यहां पर लिखा महर्षि, एक शब्द लिखा मैंने महर्षि। अब महर्षि का क्या होगा, महान है जो ऋषि। महर्षि का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, महान है जो ऋषि। अब यह विशेषता किसकी बता दी, ऋषि की। क्या बता दी, महान। तो विशेषण और विशेष हुआ नहीं हुआ, पीताम्बर में बहुब्री समास है, ठीक है ना, पीताम्बर में बहुब्री समास है। अगर पूछ रहा है सीधा, वाक्य में प्रयोग करने से अलग रूप बनता है इसका, अलग बन के आता है, ठीक है ना। बिल्कुल आगे समझिए। इसके बाद महर्षि, मैंने लिख दिया देवर्षि। अब देवर्षि का समास विग्रह करेंगे तो देवर्षि का क्या होगा, इसका विषय ध्यान रखना। सुनो सर जी, राजस्थान शब्द रूप की क्लास नहीं मिल रही, बाकी तो मिल गई, जब वो मिल गई तो ये भी मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अच्छा मिष्टी जी कह रही हैं कि सर शनिवार को टेस्ट ले लिया करो, चलो विचार करते हैं इस पर भी जरूर। लंबोदर तो लक्ष्मी बौद्ध जी बहुबरी में जाएगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। हाँ बिल्कुल। अब देखिए देवर्षि, अब देवर्षि का क्या होगा, यहां पर एक ही व्यक्ति की दो बातें बताई हैं, दो विशेषताएं कि वो क्या है, देवता भी है और वो ऋषि भी है। तो इसका कैसे होगा, विषय ध्यान रखना। देखिए आपको भी नमो नमे, देखिए आगे, देव है, देव है जो ऋषि है। अब यहां पर एक ही व्यक्ति के बारे में दो बात कही जा रही है, इसी से मिलता जुलता एक बहुत अच्छा है कर्मधार है। अरे कर्मधार है पीताम्बर में, कर्मधार नहीं बहुबरी होता है, पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, ठीक है ना, रूढ़ होके बहुबरी होता है। जब ऐसे कह देता हुआ है राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले खड़ा था, पीताम्बर रेखांकित करता, तब इसमें कर्मधार होता, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। आगे देखिए देवर्षि। अब इसी प्रकार एक उदाहरण मैंने लिखा राजर्षि, एक ही व्यक्ति की दो विशेषता बता दी कि राजा है जो ऋषि है, कि वो राजा भी है और वही क्या है, ऋषि है, राजा है जो ऋषि है। क्या हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा, राजा है जो ऋषि है। इसका भी विषय ध्यान रखना। हाँ देखिए, तो ये भी समझ में आ गया। तो महान है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, महान है जो ऋषि, देव है जो ऋषि, राजा है जो ऋषि। अब इसके बाद में और समझिए इसमें, ठीक है ना। प्रतिदिन क्या कह रहे हैं, पूछना चाहे, मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी का मतलब क्या है, मीन कहते मछली के जैसे, अक्षी माने आंखों वाली, तो उसकी विशेषता बता दी कैसी है, वो मछली जैसी आंखों वाली है। तो देखिए मीनाक्षी, मीन किसको कहते हैं, मछली को। तो मछली जैसे आंखों वाली, मछली के जैसे, मछली की आंखों जैसी, मछली की आंखों जैसी सुंदर आंखों वाली, क्या कहलाएगा, मीनाक्षी। अब देखो उपस्थित कौन है, आंखें, मान क्या लिया, मीन। तो मीन मतलब होता है मछली, तो मछली के जैसे सुंदर आंखों वाली। हाँ बिल्कुल। हाजू शेख जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये किसका बोध करा रहे, विशेषण और विशेष का बोध करा रहे। और भी खूब उदाहरण लिखेंगे इसमें, जैसे मैंने, अब देखो आपने एक आपने उदाहरण पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें
उपसर्ग युक्त पद भी आते हैं, वो था कौन सा? अव्ययीभाव। उपसर्ग युक्त पद आ रहे हो, विशेषण और विशेष्य का बोध हो रहा हो, तो वहां कर्मधारय समास होगा। इसके कुछ उदाहरण हम यहां लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कुकर्म। अब कर्म की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? कैसा है वो कर्म? कुत्सित है। कुकर्म का मतलब क्या होता है? कु का मतलब है कुत्सित, और कुत्सित किसको कहते हैं? बुरे को कहते हैं। तो कुत्सित माने होता है बुरा। कुत्सित है जो कर्म, कुत्सित है जो कर्म क्या कहलाएगा? हाँ, एकांकी में कौन सा है? एकांकी में एक अंक का नाटक। एकांकी क्या है? एक अंक का नाटक होता है। तो इसमें द्विगु समास होता है, बोला देशवाल, इसमें द्विगु ही होगा। एक अंक, एक ही अंक का मतलब वहां पर दृश्य का बोध हो रहा है, इस वजह से, ठीक है ना? हाँ, ध्यान दीजिए आगे। तो कर्म की क्या बता दी? विशेषता कैसा है वो? कुत्सित है, बुरा है। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा सुशासन। अब शासन की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। सु का मतलब क्या होता है? सुष्ठु। सुष्ठु किसको कहते हैं? अच्छा। सुष्ठु किसको कहते हैं? अच्छा है जो शासक। क्या हो गया? सुशासन हो गया। तो विशेषण और विशेष्य का बोध हो रहा है नहीं हो रहा, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? प्रतिदिन में, प्रतिदिन मतलब हर दिन होता है। अब हर दिन का मतलब प्रतिदिन का, प्रतिदिनों तो होता नहीं है, अव्यय का बोध कराए, जाहिर सी बात है अव्ययीभाव समास होगा प्रतिदिन में, बिल्कुल। वीर पुरुष, पुरुष की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। कैसा है वो? वीर है। तो क्या लिखेंगे? वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष। इसलिए यहां पर विशेषण और विशेष हो गया, पुरुष विशेष है और वीर उसकी क्या है? विशेषता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सुनीता पुरी जी, पेपर कभी भी हो, आप तो पूरी तैयारी में जुट जाओ, एग्जाम कभी भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी तो तैयारी मजबूत होनी चाहिए। योद्धा जो होते हैं, आप देखते हो ना, जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं क्या कि अभी युद्ध हो नहीं रहा, जब होगा जब देखेंगे, वो तो हमेशा तैनात रहते नहीं रहते, कभी भी युद्ध हो जा हमेशा तत्पर रहते। वैसे ही आपको भी इसी प्रकार से समझना है, ठीक है ना? ध्यान रखना, अच्छे से समझना। सर आपकी क्लास 8 का रिवीजन कब शुरू होगा? महेंद्र कुमार जी क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ नहीं पाया। सोनू पावर जी, लाल काला, लाल लाल काला काला, इन सब में भी कर्मधारय होगा, क्योंकि विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति होने पर भी कर्मधारय समास होता है, उसमें भी कर्मधारय समास भी होगा, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? हाँ, वीर पुरुष आगे लिखिए, इसमें मैं कुछ और उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा उड़न तस्तरी। अब तस्तरी की क्या बताई जा रही है? विशेषता। क्या विशेषता बताई जा रही है? वो कैसी है? उड़ती है। तो उड़ती है जो तस्तरी, उड़ती है जो तस्तरी। तो तस्तरी की विशेषता हो गई नहीं हो गई? लाल है जो मणि, लाल मणि हो जाएगा। लाल मणि, लाल है जो मणि, बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखो, आपको भी हमेशा तत्पर रहना है, एग्जाम कभी भी हो आप तो बिल्कुल तैयार रहो, तत्पर रहो, विशेष ध्यान रखना, अच्छे से समझने, ठीक है? आगे समझिए। हाँ राधेश्याम, हाँ बिल्कुल। हाँ, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, बिल्कुल। है राणा का वंश तू फेंक भाला जहां तक जाए, बिल्कुल सही बात है। हाँ ध्यान दो अब, उड़न तस्तरी। इसी प्रकार उड़न खटोला, उड़न खटोला, खटोले की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? कैसा है वो? उड़ने वाला है। तो उड़ता है जो खटोला, और जहां भी विशेषण और विशेष्य का बोध होता है वहां कौन सा समास होता है? वहां
कर्मधारय समास होता है। खटोले की विशेषता बता दी कि वो कैसा है, उड़ने वाला है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मृग नैनी बता तो दे दिए, मृग के नैनों के समान नैनो वाली होता, बिल्कुल इसी में आएगा, ध्यान रखना इसका। आगे समझिए, तो ये क्या बताई जा रही है विशेषता, कुकर्म है, सुशासन है, वीर पुरुष है, उड़न तस्तरी है, उड़न खटोला है, ये सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान दो, ठीक है। आगे समझिए, आगे ध्यान दो। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें विशेषण विशेषण की प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, विशेषण विशेषण की जहां पुनरावृत्ति हो जाती है वहां भी कर्मधारय समास ही होता है, यह भी विशेष ध्यान रखना, अच्छे से समझना और इसका ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा लाल लाल, अब लाल क्या है, विशेषण है, दूसरा लाल भी क्या है, विशेषण है। जब विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो रही है तो जाहिर सी बात है यहां कौन सा समास होगा, यहां समास होगा कर्मधार है, क्योंकि संज्ञा संज्ञा की पुनरावृत्ति हुई तो अव्यय भाव समास था। जब विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति होगी तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा। खटोला क्या, राजपाल विचारनिया जी, खटोला होता है खाट का छोटा रूप, खाट बड़ी होती है, खटोला छोटा होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, लौ पुरुष, लौ के समान पुरुष है। अब इसमें आकांक्षा जी पुरुष है जो नहीं लगा सकते, क्योंकि पीछे है जो लगते ही बहुबरी का बोध हो जाता है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बोला देशवाल बेखबर इसमें नहीं आएगा, बेखबर अव्यय भाव में आएगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो ये विशेष ध्यान रखना, है जो अंत में नहीं लगाएंगे, कर्मधारय में है जो अंत में नहीं आता, बहुबरी में अंत में आता है जो, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए लाल लाल, लाल लाल का मतलब क्या है, लाल है जो लाल, अर्थात क्या हो जाएगा, अत्यधिक लाल। लाल है जो लाल अर्थात क्या हो गया, अत्यधिक लाल हो गया। मैंने लिखा यहां लाल सुर्ख, लाल सुर्ख, तो लाल है जो सुर्ख है, लाल है जो सुर्ख है, तो यहां पर मतलब क्या हो गया, लाल सुर्ख, इसका अर्थ क्या होता है, अत्यधिक लाल। अब लाल की भी क्या बता दी, विशेषता बता दी, कितना लाल, अत्यधिक लाल, इसलिए ये क्या हो गया, विशेषण और विशेष हो गया। हाँ ये भी विशेष ध्यान रखना। कमल नयन, कमल के समान नयन होगा नहीं होगा, बिल्कुल इसी में आएगा कमल नयन भी, बिल्कुल ये भी ध्यान रखना। आगे देखिए लाल सुर्ख, अत्यंत लाल या अत्यधिक लाल हो जाएगा। अब इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा हरा कच्छ, कहते नहीं बिल्कुल हरा कच्छ है, बिल्कुल हरा कच्छ है, तो हरा कच्छ इसका मतलब क्या है, किसका गोद कराएगा, महाकाल बहुबरी में चला जाएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखिए हरा कच्छ, हरा कच्छ का मतलब हरा है जो, कच्छ है जो, अर्थात किस में चला गया, अत्यधिक हरा में। इसको किस में रखेंगे, अत्यधिक हरा में रखेंगे, हरा कच्छ अत्यधिक हरा। इसी प्रकार मैंने लिखा पीला जर्द, कहते नहीं क्या कई बार बच्चा पीला जर्द पड़ गया, अब जर्द फारसी भाषा का शब्द है, तो पीला है जो जर्द है। अब जर्द का मतलब क्या है, पीला ही होता है, पीला है जो जर्द है, पीला है, यह भी विशेष ध्यान रखना है। स्वागत अभिनंदन है मनीष तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। और समझिए इसमें, बिल्कुल नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बहुबरी में चला गया भगवान शिव के लिए, और नीला है जिसका कंठ, तो नीला है जो कंठ, अब ये कर्मधारय हो गया, क्योंकि यहां विशेषता बता रहा है। स्वागत अभिनंदन है आपको मेरी तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से, संपूर्ण भारतवर्ष की तरफ से, मेरे फौजी भाइयों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी वजह से हम यहां सुरक्षित बैठे हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे देखिए, अब इसी प्रकार मैंने लिखा सफेद फक,
कहते नहीं बिल्कुल, उसका कुर्ता ऐसा था सफेद फक। अब सफेद फक का मतलब सफेद है जो फक है, इसका मतलब अत्यधिक सफेद हो जाएगा। अत्यधिक सफेद क्या हो जाएगा? अत्यधिक सफेद। सफेद के भी क्या बता दी, देखिए क्या बता दी या विशेषता बता दी, किसकी? सफेद की भी। इस वजह से सफेद फक में कौन सा हो जाएगा यह भी विशेष ध्यान रखना। सफेद फक में भी विशेषण विशेष का बोध होने के कारण कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, क्योंकि विशेषण विशेषण की पुनरावृत्ति हो रही है। स्वागत अभिनंदन है विनय जी, आगे ध्यान दीजिए। सफेद फक, इसी प्रकार लाल सुर्ख, हरा कच, पीला जर्द, आगे ध्यान दो और ध्यान से समझो। पीला जर्द, सफेद फक। सफेद फक का मतलब क्या होता है? अत्यधिक सफेद होता है। हाँ बिल्कुल, काली स्याही, स्याही की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? काली है, तो विशेषण विशेष हो गया। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, चंद्रमा के समान मुख बता दिया, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कमलाक्ष, कमल के समान अक्ष, यहां ध्यान रखना, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे समझिए, इसके बाद सफेद फक, तो लाल सुर्ख, हरा कच, पीला जर्द, सफेद फक। कहते नहीं कहते सफेद फक, कहते बहुत ज्यादा सफेद हो, बहुत ही ज्यादा सफेद, बिल्कुल चमक रहा हो, उसे क्या कहते हैं? सफेद फक कहते हैं। तो यह भी विशेष ध्यान रखना है। आगे देखिए, लाल सुर्ख, हरा कच, पीला जर्द, सफेद फक, और समझिए नीला झक। नीला झक, अब नीला झक का मतलब कहते हैं बिल्कुल नीला झक है। हाँ, कुकर्म बोलने, अरे पता लग रहा है सुनीता पुरु जी, कैसे पता नहीं लग रहा? कुकर्म, कर्म की क्या बता दी? विशेषता। कैसी विशेषता है? कुत्सित है, तो कर्म की क्या हो गई? विशेषता, बिल्कुल काला कलूटा, इसी में आएगा काला कलूटा, काला है जो कलूटा है, अत्यधिक काला है, बिल्कुल इसमें आएगा। तो कैसे पहचानेंगे? तो कुकर्म में क्या है? कु विशेषण है, जो कर्म की विशेषता बता रहा है, इसलिए काली मिर्च में यही समास होगा। काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बता दी, काली है, बिल्कुल। नीला झक, नीला है जो झक है, अर्थात क्या होगा? अत्यधिक नीला होगा। नीला झक में क्या हो जाएगा? अत्यधिक नीला हो जाएगा। तो नीला झक ये कैसा बोध करा रहा है? अत्यधिक नीला का बोध करा रहा है। तो इसलिए यहां भी कौन सा होगा? कर्मधार है, समास होगा, बिल्कुल संज्ञा भी पर रहेंगे। पीला पत्र, पीला है जो पत्र, पत्र की क्या बता दी? विशेषता बता दी। क्या विशेषता बताई? पीला है। तो इस प्रकार से इसका भी आपको विषय ध्यान रखना, यह भी आपको अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल घी में गच्छ, कहते नहीं है बिल्कुल गच्छ हो गया घी, तो यह भी किस में आएगा? इसी में आएगा, क्योंकि अत्यधिक घी का है। यह क्या लिखा है? गोरा मुछ, डमेज। लाल दुपट्टा, बिल्कुल दुपट्टे की क्या बता दी? विशेषता बता दी, कैसा है वो? लाल है, तो लाल दुपट्टा में भी। हाँ बिल्कुल, काला कलूटा, इसी में आएगा काला कलूटा। अब काला कलूटा का मतलब क्या है? काला है जो कलूटा है, जो अत्यधिक काला हो गया। काला कलूटा का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक काला हो गया। इस वजह से यहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो विशेषण विशेषण की भी पुनरावृत्ति होगी, तो भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल नीला नीला इसी में आएगा। यह भी विशेष ध्यान रखना, तो यह भी आपको अच्छे से, बिल्कुल। मंद बुद्धि, बुद्धि की क्या बता दी? विशेषता बता दी। क्या विशेषता बता दी? मंद है जिसकी बुद्धि। मंद बुद्धि में भी कौन सा होगा? यही समास होगा। इधर लिख देता हूं मैं मंद बुद्धि को। बुद्धि की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बता दी? मंद है जिसकी बुद्धि, तो बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है।
तो मंद है जिसकी बुद्धि, बुद्धि की विशेषता बताई गई है, इसलिए विशेषण और विशेष से युक्त होने के कारण कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो ये भी विशेष ध्यान रखना, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बात हमने आज किसकी करी है, कर्मधारय की करी है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए 9 बजे